guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और आप चाहते हैं नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना तो तीन चीज़ें अपने माइंड में बिठा लीजिए. अगर ये तीन चीज़ें आप ठीक तरीके से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. अगर कुछ केसेस में एक महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, कुछ केसेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट इन तीन चीज़ों पे आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए. उसमें सबसे पहला है डाइट, यानी डाइट आपको हेल्दी लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, कुछ भी अनहेल्दी नहीं लेना है. अगर डाइट आप अच्छी लेते हैं तो आपकी बॉडी को, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट की सप्लाई अच्छी मिलती है. अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो नेचुरल तरीके से पूरी भी होती है और साथ में आपकी बॉडी भी प्रेगनेंसी कंसीव करने को तैयार होती है. तो सबसे पहला काम ये करना है. दूसरा काम करना है आपके स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि गाइस स्ट्रेस अगर आपका फिजिकली इंक्रीज हो रहा है या मेंटली इंक्रीज हो रहा है तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होगा. अगर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तो जो फीमेल के हार्मोन है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं उनका प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं होता है या वो ठीक तरीके से नहीं बन रहे होते हैं या ठीक तरीके से महिलाओं की बॉडी में रेगुलेट नहीं हो पाते हैं. क्योंकि देखिए गाइस हमारे ब्रेन में ही एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं दो हार्मोन FSH एंड LH जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इनका प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं होगा और जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है. तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कई बार क्या होता है महिलाओं की मसल्स स्टिफ होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, मसल्स में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है. तो इसके लिए आप अगर आपको फिजिकल स्ट्रेस है तो उसके लिए एक्सरसाइज या पैल्विक एरिया का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं. अगर मेंटल स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कीजिए. इससे स्ट्रेस मैनेज होता है और इसके साथ साथ अपनी डाइट में आप एडेप्टोजन हर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं. ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है. और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से महिलाओं का ओव्यूलेशन स्टिमुलेट होता है, ओव्यूलेशन रेगुलेट होता है. जिन महिलाओं का ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है उन महिलाओं का ओव्यूलेशन होने लग जाता है, वो भी हेल्दी ओव्यूलेशन होता है. हेल्दी ओव्यूलेशन का मतलब है आपकी ओवरी से हेल्दी एग का रिलीज होना. तो ओव्यूलेशन अगर आपका हेल्दी हो रहा है तो 99% चांसेस हैं कि आपका इम्प्लांटेशन भी सफल होगा. अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ठीक तरीके से फंक्शन कर रही है, यूट्रस क्लीन है तो इस कंडीशन में 100% है. तो उसके लिए आपका फैलोपियन ट्यूब आपको चेक करानी चाहिए अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या यूट्रस में कोई दिक्कत है. क्योंकि गाइस अगर महिलाओं का ओव्यूलेशन हेल्दी हो रहा है तो एग भी ठीक तरीके से फर्टिलाइज हो जाता है. अगर फैलोपियन ट्यूब ठीक तरीके से काम कर रही है, यूट्रस में जो लाइनिंग है वो भी ठीक तरीके से बनी हुई है तो 101% इम्प्लांटेशन भी सफल होता है, महिलाओं को प्रेगनेंसी भी कंसीव होती है. इसीलिए हेल्दी ओव्यूलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए. तो ओव्यूलेशन को हेल्दी स्टिमुलेट रेगुलेट करने के लिए या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ओव्यूलेशन को हेल्दी करने के लिए तो आपको सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है वो है सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार एक ऐसा पोज है जिसमें 12 एक्सरसाइज 12 पोजेज आते हैं. इसमें ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे पोजेस कवर होते हैं जो महिलाओं की जो मसल्स स्टिफ हो गई हैं, मसल्स में जो टेंशन है उसे ठीक करते हैं. साथ में आपकी अगर पैल्विक एरिया की एक्सरसाइज हो रही है तो इसका मतलब है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है. अगर बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है इसका मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो रही है, जो दर्शाता है कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम करेंगे. तो इस कंडीशन में सूर्य नमस्कार इनिशियली अगर आप अभी तक आपने किया नहीं है तो इनिशियली 2-3 सेट से स्टार्ट कीजिए. आप 10-11 सेट आराम से कर सकते हैं. ये एक ऐसी एक्सरसाइज है गाइज, अगर इस एक्सरसाइज को आप ठीक तरीके से कर लें तो आपको दूसरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. और इसके साथ लेग ऑफ द वॉल पोज, जिसे हम विपरीत करनी आसना भी कहते हैं, ये एक ऐसा आसन है जो एक्सरसाइज की तरह भी यूज़ होता है और साथ में ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन को सफल बनाने के लिए भी लेग ऑफ द वॉल पोज का यूज़ होता है. ये एज एन एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं और साथ में जब आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं ओव्यूलेशन के टाइम तो कॉन्टैक्ट के बाद ये स्पर्म को भी सपोर्ट करता है, स्पर्म को भी हेल्प करता है ताकि वो एग तक पहुँचे. तो ये दूसरा काम आपको करना है. तीसरा जो एक्सरसाइज करनी है वो बटरफ्लाई पोज करना है. बटरफ्लाई पोज करने से अगेन आपके पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो की सप्लाई
अच्छी होती है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेगनेंसी कंसीव करने को तैयार होते हैं। इसके साथ प्राणायाम में सबसे पहले आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति आपको पीरियड खत्म होने के बाद टिल ओवुलेशन ही करना है, बिकॉज कपालभाति में जब एक्सहेल इनहेल थेरेपी आप करते हो तो काफी जोर जोर से आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है, इसलिए ओवुलेशन के बाद आपको नहीं करना है, ओवुलेशन से पहले पहले ही करना है। कपालभाति करने से आपके अगर लोअर एब्डोमेन में या अपर एब्डोमेन में जो भी दिक्कतें हो रही है वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती हैं और आपके इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको अलोम विलोम एंड भ्रमरी प्राणायाम भी करना चाहिए। ये करने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, जिससे हार्मोन का प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से हो पाता है। और इसके साथ साथ गाइस, अगर आप पीरियड खत्म होने के बाद फर्टिलिटी मसाज एंड कैस्टर ऑयल पैक थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पीरियड खत्म होने के बाद एक हफ्ता इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये करने से अगर आपके कोई टिश्यूज़ डैमेज है तो ये नेचुरल तरीके से आपके टिश्यूज़ को हील करती है और साथ में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली गाइज आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होगा, और हेल्दी ओव्यूलेशन का मतलब है हेल्दी इम्प्लांटेशन, और हेल्दी इम्प्लांटेशन का मतलब है हेल्दी प्रेगनेंसी। तो यही कुछ काम आपको करने हैं। अगर ये काम आप ठीक तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।